हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी विटारा ब्रीज़ा का, जो हाल ही में फेसलिफ्ट हुई है, यानी पेट्रोल में आई है, BS6 में। इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में, जानेंगे इसके फीचर्स और प्राइस के बारे में। इसमें जो वेरिएंट आते हैं, LXi, VXi, ZXi और ZXi+, तो पेट्रोल वेरिएंट भी अवेलेबल है अब, जो हाल ही में लॉन्च होने वाली है। तो ये VXi गाड़ी है, इसी का रिव्यू करेंगे। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, दो हेडलैम्प दिए गए हैं प्रोजेक्टर इसमें, और फॉग लैंप नहीं मिलते हैं आपको इसमें। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। अपर की ग्रिलों पे क्रोम मिलेगा, लोअर ग्रिल जो बम्पर दिए गए हैं आपको ब्लैक ही मिलेंगे। ये VXi गाड़ी है, वो इसी का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में। बात करेंगे व्हीलों की, तो 205/60R16, यानी 16 इंच के व्हील दिए गए हैं इसमें। ट्यूबलेस रेडियल टायर दिए गए हैं इसमें, और ये साइड प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की। साइड प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। इसके फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक ही मिलेगी इसके सभी वेरिएंट में। अगर आप अपर वेरिएंट लेते हैं इसका, ZXi+ भी लेते हैं, तो भी आपको फ्रंट में डिस्क रियर में ड्रम ब्रेक ही मिलेगी। तो ये साइड प्रोफाइल देख रहे हैं गाड़ी की। साइड प्रोफाइल से कोई ख़ास चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको इस गाड़ी में। और इसमें आपको बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो 3995 mm की इसकी लेंथ है, विड्थ है 1790 mm की, और हाइट है 1640 mm की। व्हील बेस है इसका 2500 mm का, और फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टड टाइप दिए गए हैं विद कॉइल स्प्रिंग टाइप। रियर सस्पेंशन आपको टोरिजन बीम टाइप दिए गए हैं रियर सस्पेंशन, और कर्व वेट है इसका 1190 kg का। और इसमें आपको साइड मिरर पे इसके टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं, साइड मिरर बॉडी कलर दिया गया है, टच बटन मिलेगा आपको, ये पहले नहीं मिलता था VXi गाड़ी में भी मिलेगा। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर ही दिए गए हैं, और ये रियर प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की। रियर प्रोफाइल से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। तो रियर में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है, डिफोगर भी दिया गया है इसमें देखिए, और रियर वाइपर नहीं मिलेगा। एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, और विटारा ब्रीजा की बैजिंग दी गई है क्रोम फिनिश के साथ। चार पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, तो बम्पर में भी चेंजेस मिलेंगे आपको देखने को। दो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, तो डिज़ाइन चेंज किया गया है फ्रंट एंड रियर बम्परों का। ये दूसरे साइड की प्रोफाइल देख रहे हैं आप गाड़ी की, दूसरे साइड से बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है, जो कि आपको पहले मिलती थी वही फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी इसमें। और से बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं, ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग डोर दिए गए हैं, रियर के डोरों में चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट दी गई है, और साथ में ही क्लैडिंग दी गई है, जो आपकी आपको पहले भी मिलती थी ये क्लैडिंग। और ये डोर आपको टच बटन के साथ दिया गया है, पहले नहीं मिलता था ये। और इसमें साइड मिरर पर टर्न इंडिकेटर दे दिए गए हैं, जो कि आपको पहले नहीं मिलते थे VXi में। यहाँ से आप फ्यूल भरवाएंगे। चलिए बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस मिलता है आपको इसमें। रियर पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी आपको इसमें, और यहाँ पे कुछ सामान कैरी करने के लिए हुक दिया गया है, और यहाँ पे भी कुछ साइडों में स्पेस दिया गया है। ये आपका स्पेयर व्हील, जो कि 16 इंचेस का ही दिया गया है। MRF के टायर मिलेंगे आपको इसमें, तो व्हीलों का साइज़ सेम ही है, ब्लैक व्हील मिलते हैं आपको इसमें। 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में, तो इसमें आपको कॉटन फिनिश दी गई है, ये वाला डोर, पावर विंडो दिया गया है, बोतल रखने का स्पेस मिलेगा, और साथ में स्पीकर। अपोस्ट्री इसमें ब्लैक कलर की ही दी गई है, देख ही रहे हैं आप। इनके हेड आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अपोस्ट्री देख ही रहे हैं आप, कुछ नहीं, काफ़ी अच्छी है इनकी, तो अपोस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा आपको इसमें देखने को। यहाँ पे भी कॉटन फिनिश दी गई है, बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर, तो चार स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें। ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं, कुछ सामान कैरी करने के लिए हुक भी दिया गया है इसमें लेफ्ट राइट में, और यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। ये आपका रीडिंग लैंप, और
फ्रंट सीटों के हेड भी आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं देखिए, और यहाँ पे भी कुछ सामान कैरी करने के लिए हुक दिया गया है। 3 kg तक का सामान इसमें आप कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा हुक को ड्राइवर साइड। और लेग रूम बहुत बढ़िया है इसका, और यहाँ पे 1 लीटर की बोतल रखने का स्पेस दिया गया है। जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ। कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में? वो फ्रंट डैशबोर्ड आपको सिंगल टोन में दिया गया है जो कि ब्लैक ही है, देख रहे हैं आप। चलेंगे फ्रंट डोर के इंटीरियर में। तो फ्रंट डोर के इंटीरियर में आपको ये वाला डोर देखिए, टच बटन के साथ ही दिया गया है। इसमें आपके पास स्मार्ट की है, टच करते ही खुल जाएगा। और ये वाला डोर आपको कॉटन फिनिश टूटर नहीं मिलेंगे इसमें, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये स्पेस दिया गया है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं इसमें टूटर। देखिए टूटर नहीं दिया गया है इसमें, और इसमें आपको कॉटन फिनिश दी गई है डोर ट्रिमो पे। दोनों चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, लॉक अनलॉक शीशों को भी लॉक कर सकते हैं। बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर। और ये आप ड्राइवर सीट देख रहे हैं जो कि ओनली बैक एडजस्ट दी गई है। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगी ड्राइवर सीट आपको इसमें, अपोस्टरी पूरी ब्लैक ही दी गई है। और राइट साइड में आपको एसी वेंट्स के साथ आपको बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की। SRS एयरबैग है इसका, मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। ऑडियो कंट्रोल दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे, और इसमें आपको फोनी कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को अप एंड डाउन। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और एसी वेंट्स ये आपको पहले भी मिलता था, और ये आपको हेडलाइट लेवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं। अब आपको साइड मिरर फोल्डेबल भी दिए गए हैं, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी दिए गए हैं। देखिए फोल्डेबल है साइड मिरर और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, तो दोनों फीचर्स इसमें दिए गए हैं। साइड मिरर में एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों फीचर्स इसमें अब दे दिए गए हैं आपको। VXI गाड़ी में भी मिलेंगे आपको। और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ, ये आपको पहले नहीं मिलता था, तो ये अब आपको मिलेगा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ये अब आपको मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। तो ये अब आपको इंक्लूड कर दिए गए हैं, पहले ये नहीं मिलता था। और 2 AC वेंट्स दिए गए हैं हजार के स्विचेस के साथ। इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ये वही पुराना इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो पहले मिलता था। CD प्ले कर सकते हैं, और इसमें आप FM पे प्ले कर सकते हैं, AM प्ले कर सकते हैं, FM AM प्ले कर सकते हैं, तो वही पुराना इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और ऑटो AC दिया गया है इसमें, और नीचे आते हैं तो आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। USB ऑक्स के भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें देखिए, और ये आपको स्मार्ट की दी गई है देखिए, जिसमें कि आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और S का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। गियर लीवर 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ दिया गया है, ब्लैक पैनो फिनिश के साथ दिया गया है गियर लीवर। हैंड ब्रेक लीवर इसमें क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। 2 कप होल्डर रखने का स्पेस दिया गया है कंसोल पे, ये देख रहे हैं आप। और को ड्राइवर साइड एक SRS एयरबैग और दिया गया है, और आपको बहुत ही बढ़िया स्पेस मिलता है इसमें देखिए, अपर में और लोअर में। 2 ग्लोव बॉक्स दिए गए हैं डैशबोर्ड पे देखिए, और सिल्वर फिनिश मिलेगी। और इसमें आपको ये वाला डोर पावर विंडो दिया गया है कॉटन फिनिश के साथ। बोतल रखने का स्पेस मिलेगा, साथ में स्पीकर, तो 4 स्पीकर मिलते हैं आपको इसमें। और इसमें आपको फ्रंट में सनवाइज़र दिया गया है, और IRVM डे नाइट है। को ड्राइवर साइड सनवाइज़र वेनिटी मिरर के साथ दिया गया है, साथ में ही ग्रिप असिस्टेंट। और इंटीरियर आपने देख ही लिया इसका इंटीरियर। हुड खोलने का ऑप्शन ड्राइवर साइड लीवर दिया गया है, तो हुड खोल लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको MID दिखा देता हूँ, इसकी MID में भी कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको देखने को। देखिए कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, आपको किलोमीटर बताएगा, क्लॉक बताएगा,
और फ्यूल भी आपको डिजिटली शो करेगा ये। और टेम्परेचर मीटर भी इसमें दिया गया है। और चलते हैं अब इंजन रूम में। हुड हमने खोल ही लिया था, चलते हैं इंजन रूम में अब। तो आगे इंजन रूम में हुड के इनसाइड ये कवर दिया गया है जो कि इंजन की वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, जो कवर आपने देखा। ABS इसका यहाँ पे दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम इंजन रूम में ही। तो बैटरी और फ्यूज़ बॉक्स, इसमें आपको सियाज वाला ही इंजन दिया गया है। तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, 1462 CC का इंजन मिलेगा आपको इसमें, पेट्रोल इंजन। और 103 BHP की पावर मिलेगी आपको 6000 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, 138 Nm की टॉर्क मिलेगी 4400 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू मारुति सुजुकी विटारा ब्रीज़ा पेट्रोल वेरिएंट का, PS6 का, जो हाल ही में लॉन्च होने वाली है। अभी लॉन्च हुई नहीं है, लॉन्च होने से पहले आप रिव्यू देख रहे हैं इसका। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि और भी वीडियो आप देख पाएँ इस चैनल पे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि इसके सभी वेरिएंट का आप रिव्यू देख पाएँ। मैं इसके सभी वेरिएंट का रिव्यू डालूंगा अपने चैनल पे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि मोटिवेशन मिल सके। तो तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।